काउंटिंग सेंटर पर है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चारों तरफ से की गई है बैरिकेटिंग। 11 फरवरी को आएंगे वोटिंग के रिजल्ट। यमुना पार ने वोटिंग में बाकी दिल्ली को छोड़ा पीछे। सीलमपुर में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, त्रिलोकपुरी में सबसे कम। उत्तर पूर्वी जिले ने पूरी दिल्ली में लिया पहला नंबर। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में घर में हुई 10 लाख की चोरी। मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर, मामला दर्ज कर आगे की जांच हुई शुरू। पूर्व दिल्ली के नेताओं ने एग्जिट पोल पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बीजेपी नेता ने कहा, बीजेपी के फेवर में होंगे चुनाव के नतीजे। आप नेता ने कहा, एग्जिट पोल भी है आम आदमी पार्टी के साथ। और वोटिंग कम होने पर बोली जनता, ईवीएम मशीन चल रही थी स्लो। कुछ लोगों ने कहा, चुनाव आयोग की पर्चियां ठीक तरीके से नहीं पहुंची घर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें काउंटिंग पर टिकी हुई हैं। चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार 11 फरवरी को खत्म हो जाएगा। मंगलवार को होने वाली काउंटिंग के दौरान कोई सुरक्षा चूक ना हो सके, इसके लिए खासा प्रबंध किए गए हैं। बात करें पूर्व दिल्ली की, तो यहाँ की काउंटिंग खेल गाँव में होगी। यहाँ पोलिंग पार्टी के एजेंट के लिए एक कमरा बनाया गया है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर है। पोलिंग एजेंट के लिए जो कमरा बनाया गया है, वहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहां पर एजेंट बैठकर स्ट्रांग रूम देख सकते हैं। आपको बता दें, इस काउंटिंग सेंटर पर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट में आने वाली 6 विधानसभाओं की वोटों की काउंटिंग होगी, जिनमें लक्ष्मीनगर, कोंडली, त्रिलोकपुरी, गांधीनगर, कृष्णनगर और पटपड़गंज शामिल है। बीते शनिवार दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान हुए हैं और साथ ही अब 11 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग की जानी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं CWG विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, और मैं आपको साथ ही दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही CRPF के जवान भी यहाँ मौजूद है। जो बाहर से अंदर जाने वाले जो व्यक्ति हैं और अंदर से आने वाले जो बाहर व्यक्ति हैं, उनकी पूरी सही तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं वो अंदर ना जा सके और जब बाहर ना आ सके। हम लोग आए हुए हैं कि EVM के साथ अगर कोई छेड़खानी होती है तो हमारे कार्यकर्ता 4-4 घंटे की ड्यूटी पे लगातार EVM पे निगाह रखे हुए हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे CM के भी ऑर्डर हैं कि भाई आप लोग हमेशा निगरानी बना के रखें। सर, पर यहाँ तो दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान भी मौजूद हैं, पर उनके चौक चौबंद इंतजाम है, उनके होते यहाँ पे EVM में कौन गड़बड़ी कर सकता है? देखो, जैसे एग्जिट पोल हमारे फेवर में आए हैं सारे और हमें भी मालूम है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जिस हिसाब से जो भाजपा के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमारी 45 आएंगी, तो हमें शक है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होने के चांस लगते हैं। हमें कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी वाले, पर यहाँ तो जवान भी मौजूद हैं, फिर कौन क्या कर सकता है यहाँ पे जब सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं हर तरीके से? सर, सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ तौर से तो करनी पड़ेगी ना हमें। दो कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ कुणाल शर्मा। वहीं उत्तरी पूर्व दिल्ली के वोटों की काउंटिंग नंद नगरी के ITI में होंगी। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आसपास के एरिया में पुलिस की ओर से खास नजर रखी जा रही है और लोगों को ना तो वहाँ गाड़ियाँ पार करने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बिना चेकिंग के कर्मचारियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिल रही है जो यहाँ कर्मचारी हैं। वहीं आप कार्यकर्ता भी EVM में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ तैनात हैं। इस काउंटिंग सेंटर पर पूर्व दिल्ली और उत्तरी पूर्व दिल्ली की लोकसभा सीट में आने वाली 9 विधानसभा की वोटों की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। गेट नंबर 1 पर गोंडा, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर शामिल है। वहीं गेट नंबर 2 पर विश्वास नगर, शाहदरा, सीमापुरी, रोहतास नगर, बाबरपुर शामिल है। मैं पुलिस पर प्रशासन में बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, मैं अपने आप पे भरोसा है। हम कल से यहीं बैठे हुए हैं मशीनों की रखवाली के लिए, क्योंकि कल कुछ दिक्कतें आई हैं मशीनों पर। कई दिल्ली में बहुत सी जगह दिक्कत आई हुई है। कल हमारे बारू विधानसभा जहाँ से गोपाल जी खड़े हुए हैं, वहाँ से 2 मशीनों के लिए घपला हुआ है। 2 आदमी पकड़े भी गए, जिसमें चुनाव आयोग के भी कुछ लोग हैं। उनमें देखा गया कि
नई मशीन ला के हमारी जिसमें वोट पड़ी है ज़्यादा उस मशीन को ले जाने की कोशिश करी थी उन लोगों ने, और जो उनकी उनकी जो मशीन थी वो अपनी मशीन रखने की कोशिश कर रहे थे, और कल कम से कम 8-10 हज़ार कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ मौजूद भी थे। पूरी रात लोग यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता रहे, और आज भी जब तक यहाँ काउंटिंग शुरू नहीं होगी काउंटिंग तक हमारे लोग यहाँ पे पहरेदारी करेंगे। हालांकि भाई ने बोला प्रशासन पर भरोसा नहीं है, हमें प्रशासन पर भरोसा है लेकिन भाजपा पर भरोसा नहीं है। यहाँ देख रेख करते हैं कि कोई कोई गड़बड़ ना की जाए। जैसे ही कल हमें आप मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि कई दिल्ली में कई जगहों पर वोटिंग पोलिंग बूथों पर घपलेबाजी की जो खबरें हमारे सामने आई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पूर्ण रूप से तैयार हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि कोई भी आगे ऐसी जो घटना है वो दोबारा से हमारे सामने ना आए। जो ईवीएम है उसको पर तो सस्पिशियस तो है ही, एक बीजेपी के अलावा तो और कोई पार्टी इसको पसंद नहीं करती, इसलिए थोड़ी सी देख रेख के लिए इसके। सर ईवीएम का कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है? डर पूरा पूरा पूरा। तो कोई कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है क्या आम आदमी पार्टी ने? नहीं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ और हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि आप इसको देखो, पूरी सिक्योरिटी को देखो, और कहीं भी कुछ भी दिखता है सस्पिशियस तो हमें इन्फॉर्म करो। पूरा हमारे लिए संदेश है कि जो वहाँ जहाँ पर बूथ पे से जहाँ हमारे ईवीएम जमा हुए हैं उनको पूरी तरीके से वॉलंटियर वहाँ खड़े हों, उनकी देखरेख पूरी करें। किसी भी तरीके से कोई भी अदर आदमी आता है तो वहाँ सिक्योरिटी जो है उसको बताएं कि अदर आदमी है, इससे हमें कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी चेकिंग करी जाए, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। हम जो खड़े हैं, हम खड़े हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से। हर बार ये होता रहता है कि ईवीएम बदली जाती है, चेंज होती है, उसके पर्पज़ से हमें यहाँ लगाया गया है। और हमारी जो शिफ्ट होती है वो 9 से 9 की होती है, अब के बाद हमें शिफ्ट खत्म होगी रात को 9 बजे, फिर दूसरी शिफ्ट हमारी चालू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा के लिए शनिवार को ही वोटिंग के फाइनल रिकॉर्ड सामने आ गए। इस बार कुल मिलाकर 61.84% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। पिछली बार 2015 में दिल्ली विधानसभा के लिए 67.56% वोटरों ने वोटिंग की थी। जाहिर है कि इस बार 5% वोटिंग कम हुई। कम वोटिंग पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। यमुना पार की 16 सीटों पर जमकर वोटिंग हुई, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों वाली सीटों पर वोट परसेंटेज ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग सीलमपुर इलाके में हुई जहां पर 71.40% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसी तरह मुस्तफाबाद में 70.55% वोटिंग हुई है। सीमापुरी में 68.9% लोगों ने अपने वोट डाले हैं। यमुना पार में सबसे कम वोटिंग त्रिलोकपुरी में हुई जहां सिर्फ 55.78% लोगों ने वोट डाले। रोहतास नगर का आंकड़ा अगर बात की जाए तो 59.69% रहा, जो 60% से कम है। बाकी सारी 14 सीटों पर 60% से ज़्यादा वोट डाले गए हैं। जहाँ तक कि पूरी दिल्ली का सवाल है तो यमुना पार के उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज़्यादा 68.56% वोट डाले गए। सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली जिले में 57.10% रही। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार में पत्रकार के घर में लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है। मंगल बाजार में रहने वाली अनीता सेना, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, उनके घर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसकर 10 लाख से ज्यादा के गहने और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर के सारे लोग जब बाहर गए थे तो पीछे से मौका देखते हुए चोरों ने सारा माल साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस को आरोपी की तलाश है। 31 जनवरी को हम लोग सुबह 10:30 बजे गए थे, घर गए हुए थे, और 7-8 दिन का हमारा ट्रिप था। आज सुबह ही हम 9 फरवरी को सुबह 8 बजे आए घर, तो देखा दरवाजा जो है वो ऐसे कुंडा लगा हुआ है, ताला नहीं था। तो जैसे अंदर घुसे तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था, जितना भी ज्वेलरी था कम से कम 10 लाख का ज्वेलरी, कैश, लैपटॉप, ये सारा नहीं था, सारा चोरी हो गया। मैंने तुरंत PCR को फोन किया तो वो PCR आई और वो अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अपना शुरू किया उन्होंने, क्राइम टीम भी आई। पूर्वी दिल्ली के 3 प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने एग्जिट पोल्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जहां एक ओर बीजेपी नेता का कहना है कि एग्जिट पोल सटीक नहीं होते, चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में होंगे, वहीं आप नेता का कहना है कि एग्जिट पोल भी आम आदमी पार्टी के साथ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को पड़ गए हैं। इससे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोट हैं वो डिवाइड हो गए हैं।
ये जो एग्ज़िट पोल हैं बहुत बार हेवायर हुए हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है उल्टा सीधा होते रहते हैं। तो एग्ज़िट पोल नहीं, हमें जनता पर विश्वास है, हमने जनता को देखा है, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, कृष्णानगर में भी दिया है और दिल्ली में भी दिया है। तो मेरा विश्वास है ये एग्ज़िट पोल सब उलट पुलट हो जाएंगे। परसों पता लग जाएगा इसका, जब काउंटिंग होगी, जनता ने जितना प्यार दिया मेरे को, मैं जिस भी बूथ पर गया हूँ सब देखा हूँ, जनता ने इतना प्यार दिया, लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग घर से निकल कर आए, उसके बावजूद भी पर्चियों की वजह से कोई दिक्कत हुई है। तो देखिएगा कोई सर्वे डाउन नहीं है, मैंने जनता का काम किया है, जनता ने काम पे वोट दिया है, वो आपको 11 तारीख को पता लगेगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। दिल्ली की 70 की 70 ही आ रही है हमारी, देखिए उनके कहने से क्या होता है। वो तो दूसरी सीट में भी कह रहे थे जहाँ पर हारे हैं वो, अमित शाह कोई वो नहीं है कि उनके कहने के ऊपर लोग वोट देंगे। जनता काम देखती है, केजरीवाल जी को लोगों ने पसंद किया है और उनकी कामों के ऊपर वोट मिला हमारे को, और आपको 11 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगी। नहीं, उम्मीदवार की बात नहीं है, मुझे लगता है पॉश कॉलोनी की जो वोटें हैं ना वो थोड़ी कम पड़ी है, स्थानीय मुद्दे भी मौजूद थे और जो देश के मुद्दे उनको भी मेरा ख्याल इलेक्शन में देखा गया, जबकि वोटर की संख्या बढ़ी है हमारे यहाँ 188 हुए, पिछली बार पड़े थे 118,000, और मुझे लगता है इस साल भी 120 के करीब, 121 के करीब, इससे ज़्यादा वोट नहीं बढ़ा। देखो उसका एक रीज़न है कि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट्स हैं वो हमारी है, और जब हमारी वोट कटेगी तो नेचुरली कांग्रेस का ग्राफ गिरेगा नीचे। वहीं जनता ने भी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल सटीक नहीं होते, 11 फरवरी को ही तस्वीर साफ होगी। वो बता रहे थे कि 14,000 का सैंपल लिया गया है, कुछ बता रहे हैं 16,000 का सैंपल लिया गया है, और हमें अपने कामों पर विश्वास है। ये एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं वो हमारे कामों का नतीजा है कि दिल्ली में इतनी सीटें दिखा रहे हैं। हाँ जी, तो आम आदमी पार्टी तो क्लियर हो रही है, बिल्कुल साफ सीटें जीत रही है सब जगह से, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, और काम वाले का ही हमेशा नाम होता है, चाहे उसके अपोजिशन में कोई पार्टी आ जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन शांतिपूर्वक। अब जैसे उन्होंने कल कह दिया मनोज तिवारी जी ने कि मंदिर में गए और जूते केजरीवाल साहब ने एक हाथ से उतारे, भाई तुम यही चीज़ें देखते हो कि क्या कोई जूते उतार रहा है या पहन रहा है या किसी की चप्पल बदल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मन में जब इनके प्रभु नहीं है, मन में अगर इनके विश्वास नहीं है, तो इनकी आत्मा की शुद्धि नहीं है, चाहे मंदिर कितना धो लो, दूध से धो लो, पानी से धो लो। हमारी तो 70 की 70 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आजकल लोग धर्म के नहीं काम के नाम पर वोट डालते हैं। जो जनता ने वोट डाला है आपको देख लें, जिन्होंने हमारी आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, सड़कें, पानी, बिजली वगैरह के, जो आज लोग हमारे लोग सुखी हैं, दुआएं देते हैं मतलब केजरीवाल जी को, और बग्गा साहब ने काफ़ी काम करवाया जमुनाबार में, तो हमारे साथ तो हमारी 70 की 70 सीटें हमारी पूरी आ रही है। देखो ओपिनियन पोल ने तो कभी आम आदमी को पिछली बार 67 सीट भी नहीं दिखाई थी, लेकिन उसकी 67 सीटें आई थी ना, तो ओपिनियन पोल देख ओपिनियन है जो गलत भी साबित हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और जनता का फैसला एक चुनाव जो केजरीवाल ने वादे करे उसमें कोई दम नहीं रहा, व्यापार वगैरह भी इसने ढंग से चलने की कोई नीति नहीं बनाई, और कहने का मतलब दिल्ली में काम करने का जो व्यापारी को लाभ होना चाहिए था इस सरकार ने हमें नहीं दिया। पूर्वी दिल्ली की आम जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट कम पड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन स्लो चल रही थी, चुनाव आयोग की पर्चियां ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लंबी लाइन को देखकर भी कई लोग वोट देने से पहले ही घर वापस चले गए। पार्टी बाजी से विश्वास हो गया, क्योंकि हर वक्त कोई धर्म की राजनीति कर रहा, कोई इसके विकास पे बहुत कम नेता लोग हुए हैं काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जो दिल्ली में राजनीति जिस तरीके की देखी गई वो वजह रही क्या पिछली बार से 6% कम वोटिंग की? हाँ, इसमें ऐसा है ना, नेताओं ने प्रचार पर तो बहुत पैसा खर्च करा, लेकिन पब्लिक को समझाने की कोशिश नहीं करी, रैली निकाल दी, जैसे कार के उसकी मोटरसाइकिल की रैली निकाल दी, उसमें क्या पता किसका है, 500 रुपये दे देगा रैली में बुला रहे लोग। जो इलेक्शन कमीशन के उन्होंने जो BLO जो आंगनवाड़ी जो लेडीज़ होती हैं वो जागरूक कम कर पाई हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग की जो पर्चियाँ होती हैं जो घर घर एक दो दिन पहले या दो तीन दिन पहले जो घर घर पहुँचानी होती हैं वो नहीं पहुँचा पाई हैं, जिसके कारण लोग बाग वो जो हैंड टू हैंड बूथ पर जो एजेंटो बैठे रहते हैं उनके थ्रू पर्ची बनवा के लोग बाग लेके गए, उससे दिक्कत होती है इंसान का मैच करना कि वोटर कैसा है, पहचान करने में देरी होती है, वो ज़्यादा बड़ा कारण है इस चक्कर में। और लेट का तो मैं तो मेरे तरफ से तो यही रहेगा, लेट का चुनाव आयोग ने जो ये BLO या ये हायर किए हैं इसी वजह से थोड़ी पोलिंग लेट हुई है और कम परसेंटेज आई है हमारी। नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, आम जनता तक तो बस वही पहुंचना चाहिए था जो पहुंचा है,
जैसे BLO ने करा है, BLO की पर्ची है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन ज़्यादा लंबी लगी, इस वजह से लोग बाग देख कर वापस चले गए। वोटर को 7 सेकंड लगे डालने में, तो इस वजह से 7 सेकंड से आप हिसाब लगा लो, इसी वजह से थोड़ा वोटिंग स्लो रहता है। और लाइन में लगने की वजह से पब्लिक थोड़ा नाराज की वजह से थोड़ा वापस लौट गई, लेकिन जो नेताओं ने भी और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी काफ़ी जागरूक किया लोगों को कि वोट डालें। कहते हैं रक्तदान जीवन दान होता है, इस तर्ज को देखते हुए पूर्व दिल्ली के IP एक्सटेंशन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लॉयंस क्लब द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने कैंप में शिरकत करके ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर कई अस्पतालों के डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद रही। ब्लड डोनेशन करने वालों का कहना था कि आज की तारीख में ब्लड डोनेट करना बेहद जरूरी है, ब्लड डोनेट करने से किसी की जिंदगी बच सकती है। एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, एक यूनिट से हम 4 लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत नेक कार्य है। और रक्तदान शिविर का जो बेसिकली हमारे जो मोटो है ना इसमें, वो यही है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्त करें, क्योंकि रक्त कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करा जा सकता। हाँ, ये केवल मानव का रक्त है जो कि हमारे काम आता है, कहीं भी एक एक्सीडेंट होता है तो उसमें 100 यूनिट तक की जरूरत पड़ जाती है। आप अभी देख सकते हो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में जो ब्लड बैंक की हमारी गाड़ी लगी है, वहाँ पर अभी यूथ ही ब्लड डोनेट करके उतर रहे थे, और हमारे यहाँ यूथ से लेकर और 60 से नीचे के लोग भी आते हैं, बल्कि 60 से ऊपर भी आते हैं, हम उन्हें वापस भेजते हैं। कम से कम 60 से लेकर 100 यूनिट इकट्ठी करता है। जब भी किसी भी साथी को हमारे या किसी जानकार को या अनजान को भी ज़रूरत होती है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसकी मदद करके और इनसे ब्लड दिला सके। रक्त डोनेट कर रहा है उसके लिए रक्त का जो संचार है और अच्छे तरीके से उसकी बॉडी में हो जाता है। जो पुराना खून निकल जाता है तो नए खून बनने के बाद उसकी बॉडी में एक अच्छी वो संचार हो जाता है, और वो ब्लड जो है हम डिफरेंट पेशेंट्स को उसको सेग्रीगेट करके उसमें से जौन सी चीज़ें चाहिए वो अलग अलग पेशेंट्स को हम उसका इस्तेमाल करके उसमें यूज हो जाता है। हर साल इधर जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लायंस क्लब का लगता है, मैं हर साल करती हूँ। सो थैंक यू सो मच टू दी ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ईयर। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.